शबाना आज़मी से मिलना है एंड यू नो एमआर टॉमसन से मिलना है मगर वो पहली मुलाकात जो मेरी शबाना जी के साथ थी उन्हें कहा रहे असल उन्होंने कहा वालकम रात ही मैं तुम्हारा एक तुम्हारा ड्रामा देख रही थी आ, यकीन का सफ़र था hmm. या कोई और था शायद तो वो उन्होंने लिए इतना ईजी किया है उस तरह से तो इस फिल्म के लिए आपको अप्रोच कैसे किया गया और आपने क्या सोच कर हाँ कही मुझे जो मेरे एजेंट्स हैं जो मेरे इंटरनेशनली सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसे इस तरह से एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है लेकिन आई थिंक ये तुम्हारे लिए आई I मीन mean, ही बना है अच्छा mm. ठीक है तो फिर जब उन्होंने मुझे दो सीन्स भेजे कि वो हमने रिकॉर्ड करने हैं वो मैंने भेजा ना आई आई वॉज लाइक कहाँ सिलेक्शन होगी एंड ऑल दैट आई आई एम जस्ट लाइक दैट कि कहाँ होगा like हो और वो चीज़ हो जाती है और वो एनी वे सो मैंने जब रिकॉर्ड किया तो फिर मुझे ई मेल आई शेखर सर की अंजुमा माँ की के इट गुड एंड एंड योर ऑन बोर्ड तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज था और uh, क्योंकि मैं खुद तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ बहुत कमाल कर सकती हूँ बट तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एक सरप्राइज के तौर पे मुझे मिलती ना करते आप यहाँ तक हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मुझे कुछ मेरे दोस्त भी कहते हैं कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट उनका एक प्रोजेक्ट मना करी थी उनका कर प्रोजेक्ट कर भी लोगी ना उसके बाद भी कहोगी मैं नहीं कर रही कोई ऐसा एनेक्टोड या कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो सेट पे हुई जो आपको याद रहेगी कि, कि बहुत मज़ा आया था या बहुत आप... बिल्कुल है ऐसा सो um, so, मैं तो होटल में थी और कोविड का ज़माना था और सब कुछ बंद था लंदन तो बस बंद ही था ना सो so, वो uh, सर्दियों की शामें जो डिप्रेशन से भरी हुई जो होती हैं सो so, मुझे शबाना जी को पता चला मैं होटल में गई क्या मैं तो मेरे घर पर रुकूँगी सो so, मैं उनके घर पर फिर गई और हमने एक दिन सुबह से मैंने खाना चीजें ग्रोसरी की और फिर मैंने भिंडी अचार गोश्त और खट्टी डाल बनाई थी कैमरे में इसलिए देख हूँ कि अगर वो सुनेंगी तो वो कहेंगी याद है और बता दिया सो वो हमारा सुबह से शाम तक खाना बनाने का जो सफर था ना शमाना जी और फिर हमने खायान का सफर यकीन का सफर <laughs> वो वाकई एक यकीन का सफर था मोहब्बत का सफर था सो वो रात और फिर मैंने लगाए फिर शेखर सर भी आए शहजाद लतीफ़ ने भी हमें ज्वाइन किया और हमने वो खाने खाए और मैंने उस पूरी रात जो है ना पाकिस्तानी गाने लगाए हुए थे खूबसूरियो के गाने चलाए हुए थे और वो रात वो दिन मैं नहीं कभी भूलूंगी और फिर मैं अगले दिन जब उठी तो फिर उन्होंने बनाया बहुत मेरा रखा तो I think मैं, आप मैं आपके ड्रामो के बारे में भी एक हाँ। सवाल पूछना चाहती आपका नया ड्रामा जो अभी चल रहा है कुछ अन उस पर काफी आपको अच्छे रिव्यूज भी मिले बहुत डिफरेंट कैरेक्टर भी है आपका एक इस तरह के यूजुअली पाकिस्तानी फॉर्मुलर ड्रामाज में आपको नहीं मिलते एजेंट आपका एक्टर कैरेक्टर है तो आपको क्या लगता है क्या कॉन्शियस डिसीजन एक्टर्स और राइटर्स की तरफ से है कि मे बी मोर क्लोजर टू लाइफ फीमेल कैरेक्टर्स दिखाने का शायद वक्त आ गया मोर एम्पावर्ड कैरेक्टर्स दिखाने का वक्त आ गया या फिर ये एक ब्लिप है एक आध सीजन इस तरह की फिल्म इस तरह के ड्रामे चलेंगे और फिर वापस हम वही ये फॉर्मूला सास पे पहुंचे अल्लाह ना करे ऐसा हो लेकिन हो रहा है आई hmm. थिंक कुछ लोग हैं हम जैसे लोग मैं सबा uh, Uh, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो हमें लड़ना पड़ता है hmm. और हमें मना करना पड़ता है ना कहना पड़ता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें एक हरासमेंट को hmm. आ, प्यार का नाम दे दिया है और एट द एंड ऑफ द डे वही हरासर जो है उस लड़की को प्यार हो जाता है उस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत व्यूज़ um, भी मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली बट आई थिंक के वी वी हैव द पावर टी वी हैज़ द पावर टू काइंड ऑफ चेंज द माइंड सेट ऑफ़ द ऑडियंस क्योंकि ऑडियंस को हमें लगता है हम उनको बहुत आई uh, थिंक हमें लगता है कि वो इतने समझदार नहीं है बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आई थिंक वी शुड काइंड ऑफ फाइट फॉर इट तो हमें बहुत लड़ना पड़ता है hmm. और वो जंग हमारी जारी रहेगी सरजल आप कितनी इतनी पॉपुलर हैं इज ऑफन रिफर टू नो एक दो धारी तलवार होती है राइट तो जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी स्पेकुलेशन होती hmm. है लोग हर तरह की बातें करते हैं उस तरह के डिस्कोर्स को या उस तरह के प्रेशर को आप किस तरह डील करती हैं आई थिंक मैं सिर्फ काम करके वैसे भी घर ही जाती हूँ <laughs> और मैं आ, लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो मेरी पर्सनल चीज़ों पे और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ वो अपने हद तक ही महदूद रखूँ hmm. कोशिश मेरी यही होती है और आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑफ आफ़कोर्स कमेंट्स और वो सब चीज़ें लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे पजीरा ही बहुत मिली है हर जगह से सो so, दूसरे साइड को मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देती हूँ ब्लर कर देती हूँ बहुत ही ऑनसम्बल कास्ट सा hmm. है बहुत ही पैरल ट्रैक साथ बिल्कुल. साथ चल रहे हैं और यूजुअली ऐसा होता है ना जो लीड एक्टर uh, hmm. या एक्ट्रेसेस होते हैं उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा होता है और सपोर्टिंग कास्ट को कम का। लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज सारे ट्रैक्स ऐसे लगता है कि पैरल चल रहे हैं उतनी इंपॉर्टेंस उतना ही टाइम मिल रहा है डिफरेंट एक एक्सपीरियंस hmm. है hmm. वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा कि अब जान के आपने इस तरह का एक ड्रामा या प्रोजेक्ट लिया है जिसमें एक्चुअली डेप्थ बहुत है लेकिन शायद आपका रोल उतना बहुत ज्यादा नजर नहीं पावरिंग नहीं एग्जैक्टली exactly, आपकी आईबॉल्स उतनी शायद आपको ना मिले अच्छा अगर आप मेरे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें क्योंकि मेरे लिए नंबर ऑफ सीन्स बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं ऑब्वियसली ये बात मैंने वो टाइम सीखी सो so, मेरे एज के जब भी बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ना कि मैं टाइटल पर नहीं हूं या मेरे सीन जितने कम है तो मैं कहती हूँ उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता hmm. चाहे एक सीन हो इफ़ यू विल बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट वो एक दिन नजर ज़रूर आएगा बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट सो आई थिंक फ्राम आंगन टू इश्किला एंड देन सिंफ आहन एंड hmm. देन कुछ अनकही hmm. अगर आप उसमें मेरे सीन्स काउंट करें तो वो बहुत uh, हर सीन में मेरा किरदार और मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी uh, सो एक कहानी नहीं अच्छा है कि हम कुछ अंकई में तो हमने इतनी एम्पावर्ड पूरे घर में ही इतनी हमारी जो ख़्वीन को हमने दिखाया है सो आई थिंक समाइम्स वी शुड जस्ट लुक एंड थिंक बियॉन्ड द टिपिकल स्टेरियो टाइप थिंग्स एंड उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए मगर अगर एक ओवरऑल एक गुड स्टोरी दैन बी पार्ट ऑफ इट ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच